स्वागत जनाऊँ समस्त को आम चैनल ओडिया मीडियम ऑनलाइन क्लास रे पिले आमे 2021-22 बैच पिलांक पई नुआ करी कि पुणी आउ थरे सीरीज कंटिन्यू करूचू एपरी सप्तम श्रेणी रो बहुत सारा विज्ञान रो पार्ट ऑलरेडी हमरो पूर्व वर्ष पिलांक पई रहीची जहां मो प्लेलिस्ट रहीची जहां को मझिरे मझिरे तळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिए जेतिबा टेलीग्राम चैनल रे मध्ये मो शेयर करूची तमे चाहिले से टेलीग्राम चैनल रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाई लिंक दिया हेतिबो सेठी मध्ये जॉइन करी परिबो आमे सप्तम श्रेणी विज्ञान रो प्रथम अध्याय पदार्थ रो सीरीज कंटिन्यू करूचू एवं ऑलरेडी आमे 8टी पार्ट सारी देछे आजी ए विषय रो नवम पार्ट हबो पूर्व 8टी पार्ट रो लिंक ऊपर देखा जाउथवा आई बटन रे तुमक मिल जिवो जेते बेले आई बटन आसीबो ताकु क्लिक करिवो तापर तम आगेरे पार्ट 1 टू नै पार्ट 8 पर्यंत सबु पार्ट खोलि जिवो गोटे गोटे करी तुम से देखी दबो या छोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जीवो सेठी मध्ये मु लिंक शेयर कर देबी ए प्लेलिस्ट रो सेठी मध्ये मिल जीवो तेणु आमे अष्टम पार्ट रे पिले आमे मौलिक पदार्थ काहा को कहंती एवं मौलिक पदार्थ रो प्रकार भेद अर्थात धातु अधातु एवं उपधातु ए भाग रे विभक्त करतिलु एवं प्रति विषय रे जानिबा पई चेष्टा करतिलु या सहित गोटे इम्पोर्टाट जिनस जानापी चेषा करूँ जे आमर जो भूपृष्ठ रही भूत्वक से जो भूत्वक रही तार अनेशत भाग केवल 10टी मौलिक को नहीं गठित जिते मौलिक अच्छी ता भितर 10टी मौलिक को नहीं गठित पृथ्वी पृष्ठर उपर पृष्ठ जहाँ को आम भूत्वक कहे जहाँकि भूगोल तुम पढ़ी या सहित आउ गोटे इम्पोर्टाट जिनस जानूँ जे प्रत्येक सजीव पदार्थ जैव पदार्थ जार जीवन अच्छी ता शरीर में सबुठ अधिक चारिगोटी मौलिक अधिक परिमाण रही सेगुड़िकला अंगारक उजान अम्लाजान जबक्षारजान दुईटा इम्पोर्टाट जिनस बहुत इम्पोर्टाट जिनस आलोचना करते पूर्व पाठ निश्चित रूप देख आउ थे से रिपीट करुच्चे आमर जो भूत्वक अच्छी सेथिरे जो भूत्वक अनेक मौलिक पदार्थ को नहीं गठित किंतु सबुठ इम्पोर्टाट जे भूत्वकर 100 भागर 99 भाग केवल 10टी मौलिक को नहीं गठित एवं से 10टी मौलिकर लिस्ट देखिपुब तुम आगे रहा ये हूँ लिस्ट ए 10टी मौलिकर लिस्ट अम्लाजान सिलिकन आलुमिनियम लुहा कोबाल्ट सोडियम पोटासीयम मैग्नीशियम टिटानियम ओजान यहीपर भाव में 10टी मौलिक को ये मुख्य 10टी मौलिक को लेकिन पृथ्वी पृष्ठर सबुठू उपर पृष्ठ जहाँ को आम कहे भूत्वक ता गठित ता सहित सबुठ बड़ जिनस आम शरीर हो कि गाई छेड़ी मेंढा ठू नहीं कि बाघ सिंह भालू ठू नहीं कि जिते छोट छोट जीव बड़ बड़ जीव अच्छा समस्त गच्छ सजीव जो मानकर जीवन अच्छी से गुड़ाक मात्र अधिकांश चारोटी मौड़ी को नहीं गठित अंगारक उजान अम्लाजान जबक्ष ओके तेणु मौलिक विषय डिटेल्स आम एपर्त पढ़ी देचे आज आमे छैकिक पदार्थ विषय जानापी चेष्टा करिबा पिले ऑलरेडी मु कहितिली जे मौलिक पदार्थ होउछि एक प्रकार विशुद्ध पदार्थ काहिंकि ना गोटे एग्जांपल नबा लेट लेट गोटे लुहा खंड नबा एवं से लुहा को आमे मौलिक पदार्थ कहिबा एवं याहाकु विशुद्ध पदार्थ मध्ये कहिबा जे मौलिक पदार्थ से विशुद्ध पदार्थ काहिंकि पिले लुहा खंड को जेते भांगीबा जेते विश्लेषित करिबा जेते खंड विखंडत करिबा शेषरे जो कणिका गठित सृष्टि हो रही जीव बाकी रही जीव से मध्य लुहार कणिका थबो निश्चिंत तेणु लुहार गोटे लुहा गोटे पदार्थ बा लुहा गोटे जिनिष लुहार जिनिष ताकु केवल लुहार कणिका ता भितरे अछि आउ किछि नै सेति पई लुहा को विशुद्ध पदार्थ बोली कहू लुहारे केवल लुहार कणिका रही तेणु किंतु आज जो आम जैविक पदार्थ जानापी चेष्टा करवा से जैविक पदार्थ कौन विशुद्ध पदार्थ कि जदि हाँ ताल कहीं चेष्टा करवा जानापी जैविक पदार्थ को भल भाव बुझे पड़ो दीटा मौलिक पदार्थ एग्जांपल देवी तुमको गोटे है उजान समस्ते जाचे उजान एक प्रकार गैस एवं उजान रे केवल उजान कणिका अच्छी यार प्रतीक होची एच हाइड्रोजेन यार प्रतीक कौन एच हाइड्रोजेन उजान रे केवल
एच कणिका अर्थात उज्जान कणिका अच्छे तो निश्चित रूपे उज्जान गोटे मौलिक पदार्थ किंतु तुम जाणिले चकित एवं आश्चर्य हबो जे उज्जान होची जेते मौलिक पदार्थ अछंती सबुठारु हालुका मौलिक उज्जान तो एटी कोटे क्वेश्चन तो मस्ट पृथ्वी रे मिडुथिबा मौलिक पदार्थ भितरु को मौलिक पदार्थ सबुठारु हालुका आंसर उज्जान एवं आ गोटे क्वेश्चन एटी क्रिएट हो पार उज्जान होची एक दहनशील मौलिक उज्जान होची एक दहनशील मौलिक दीटा पॉइंट मन रखा पड़ो उज्जान एक हालुका मौलिक फर्स्ट पॉइंट सेकेंड उज्जान एक दहनशील मौलिक गोटे दीटा पॉइंट मन रख उज्जान दीटा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सेनाटीएस परीक्षा हो एनएमएमएस परीक्षा हो जेकोसी परीक्षा हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम उज्जान सबुठारु हालुका मौलिक एवं उज्जान होची दहनशील मौलिक सेकेंड आ गोटे मौलिक कथा नेबी अम्लजान पिले अम्लजान आम समस्त जाणीचे ऑक्सीजन अम्लजान यार गोटे स्पेसिफिक गुण रही से कौन ना अन्य पदार्थ दहन रे साहाज्य करे अर्थात जेकोसी जिनिष को तमे जड़ेबा पई निया लगेबा पई चेष्टा करिवो ताहले निश्चिंत रूपे अम्लजान व्यवहार होइथिबो जदि अम्लजान नाही ताहले निया पृथ्वी रे कोनसी जगह रे लागि परिबो ना गैस रे निया लगे परिबो गैस जड़ेई परिबो ना चूली रे काठ जड़ेई परिबो ना डीबी जड़ेई परिबो ना मोमबत्ती जड़ेई परिबो किछि जड़ी परिबोनी जदि अम्लजान गैस नाही ताहले अम्लजान गैस रो गोटे विशेष धर्म जे यहा अन्य पदार्थ को दहन रे सहाय्य करे एठी दीटा जिनस को लक्ष्य करबा गोटे उज्जान एच आ गोटे अम्लजान ओ ये होची दहनशील निया लागिबो सेतिरे ओ हेला दहन रे सहाय्य करबो ए दीटा जिनस किंतु सेई दीटा जिनस को आमे मिसेई दबा सेई दीटा जिनस रो रासायनिक संयोग घटेबा सेमानको उज्जान एवं अम्लजान भितर जेते रासायनिक संयोग घटेबा सेमाने संपूर्ण रूपे एक नूतन पदार्थ सृष्टि करिवे सेटा उची H2O एटा कौन जड़ एटा कौन जड़ पिले ये दीटार गुण को लक्ष्य कल उज्जान निजे जड़िबो अम्लजान जड़िबारे साहाज्य करिबो किंतु जेते बेड़े से दीटा जिनिस उज्जान एवं अम्लजान दीटा रासायनिक संयोग घटुची सेमानक मधेरे रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची एवं एक नूतन पदार्थ सृष्टि होउची यहा संपूर्ण रूपे एक नूतन पदार्थ एवं यहा संपूर्ण रूपे एक नूतन धर्म ग्रहण करिची जहा निया को लिभुची केते इंटरेस्टिंग जिनिस देख उज्जान जड़िला अम्लजान जड़बारे साहाज्य कला कि दीटा जिनस जितने मिसी गोटे नुआ जिनस सृष्टि करते नुआ गुणर अधिकारी हो जाऊँगी जड़ जड़ संपूर्ण रूपे एक नुआ गुणर अधिकारी जड़ एठी जड़ निया लिभेबारे साहाज्य कला तेणु एठू गोटे कथा स्पष्ट जे जौगिक पदार्थ कहले कौन ना दुई बा तत्वधिक दुई माने दीटा अत्यधिक माने ताठ अधिक मौलिक पदार्थ जमती उज्जान एवं अम्लजान निज निज मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया करी जो नूतन पदार्थ उत्पन्न करती दुई बा तत्वधिक मौलिक निज निज मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया करी जो नूतन पदार्थ उत्पन्न करती ताकु जैविक पदार्थ कहती एही भड़ी उत्पन्न होइतिबा नूतन पदार्थ मूल मौलिक ठारु भिन्न गुण अनुसारे अर्थात मूल जो पदार्थ रु जो पदार्थ मिसिकी रासायनिक प्रतिक्रिया घटिकी जैविक पदार्थ सृष्टि करंती से जो पदार्थ नुआ करी सृष्टि हुए ताहा संपूर्ण रूपे मूल मौलिक ठारु अर्थात जो थोड़ा सृष्टि होती ताठ संपूर्ण रूपे अलग गुणर अधिकारी
ଅଲଗା ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଦେଖୁନ ଉଜାନ ଅମ୍ଳାଜାନ ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଜଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା ଏବଂ ଜଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁ ମୂଡ଼ ଥିଲା ଉଜାନ ଅମ୍ଳାଜାନ ତା ଗୁଣଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଡ଼ର ଗୁଣ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏକାଧିକ ବା ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇଠୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ପରସ୍ପର ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିକି ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ କରନ୍ତି ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କହନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମୂଳ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଗୁଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ଗୁଣ ତାଠୁ ଅଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ତ ବୁଝିଲେ ଉଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳାଜାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଏଗେନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ନେବା, ଗୋଟେ ହେଲା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗନ୍ଧକ ଗୁଣ୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲୁହା କହିଲେ Fe ଫେରମ, ଗନ୍ଧକ କହିଲେ ସଲଫର, ଗନ୍ଧକ କହିଲେ କ'ଣ ସଲଫର। ପିଲେ ଗନ୍ଧକର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସମସ୍ତେ ଗନ୍ଧକ ଦେଖିଥବ ସ୍କୁଲରେ ଥବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗନ୍ଧକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଲୁହା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ସିମ୍ପୁଲ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଲୁହା ଏବଂ ଗନ୍ଧକକୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ସେମିତି ମିଶାଇଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିବା ସେଥିରେ କିଛି ଲେଟ୍ ଏ ଗୋଟେ ଗିନା, ଗିନାରେ ଇଏ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ରହିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ହଳଦିଆ ଦିଶୁଥିବା ଗନ୍ଧକ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିବା, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକଟି ଆଣିବା, ଯେମିତି ତୁମେ ଚୁମ୍ବକ ଆଣିବ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗନ୍ଧକ ଏବଂ ଲୁହା। ଚୁମ୍ବକ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚୁମ୍ବକ ଆଣିଲା ମାନେ ଲୁହା ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଲୁହାଟି ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଯେମିତି ତୁମେ ଚୁମ୍ବକ ଆଣିବ ଏ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ, ଏ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୁହା ଗଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇକି ଚୁମ୍ବକରେ ଲାଖିଯିବେ, ଗନ୍ଧକ ପାତ୍ରରେ ରହିଯିବ, ଗନ୍ଧକ ସେହିଭଳି ପାତ୍ରରେ ରହିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ସିମ୍ପୁଲ ଗନ୍ଧକ ଏବଂ ଲୁହା ଗଣ୍ଡକୁ ସିମ୍ପୁଲ ମିଶାଇ ଦେଉଛୁ, କେହି କାହାର ଗୁଣ ହରଉ ନାହାନ୍ତି, ଗନ୍ଧକ ସେହିଭଳିଆ ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି ସେ ପାତ୍ରରେ ଏବଂ ଲୁହା ଚୁମ୍ବକକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଲୁହାଟି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଗିନାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା। ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ନେଇଥିଲ ସେହି ଗିନାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବ। ଗିନା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି। ଏବେ ଚୁମ୍ବକ ନେଇ ଦେଖାଇବ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆକର୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ, ଗନ୍ଧକ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦିଆ ରଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗନ୍ଧକକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଛ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ନଥିଲା ଯିଏ ଯାହାର ଗୁଣ ଥିଲା ସେମିତି ଥିଲା, ସେମିତି ଗନ୍ଧକ ହଳଦିଆ ଥିଲା, ସେମିତି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦିଆଗଲା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା, ନା ଲୁହା ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ନା ଗନ୍ଧକ ଆଉ ହଳଦିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଲୁହା ଓ ଗନ୍ଧକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପରେ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ତାର ନୂଆ ନାମ ହେଉଛି ଫେରସ ସଲଫାଇଡ଼, ନେ ସେ ଲୁହା ନୁହଁ ସେ ଗନ୍ଧକ ନୁହଁ, ସେ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଫେରସ ସଲଫାଇଡ଼, ଥିଲା Fe, ମିଶିଲା Sa, ମିଶିଲା Sa, ଦୁଇଟା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ପରେ ହେଇଯାଇଛି FeS, କ'ଣ FeS ଫେରସ ସଲଫାଇଡ଼। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଫେରସ ସଲଫାଇଡ଼ FeS
FES यहा मूलिक पदार्थ नुहे यहा एक जैविक पदार्थ यहा मूलिक पदार्थ नुहे यहा एक जैविक पदार्थ तेणु आम कौन देखु ये उदाहरण आम स्पष्ट जे दुई बा ततोधिक मौलिक पदार्थ परस्पर मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी संपूर्ण रूपे जो नुआ पदार्थ सृष्टि करती जैविक पदार्थ कहती ये आउ गोटे जिनस लक्ष्य कराया पड़ो बहुत सारा जैविक पदार्थ दुईटा एग्जाम्पल ने गोटे फेरस सल्फाइड गोटे जड़ से हीपरी भाव अंगारकाम्ल गैस सीओ टू चीनी लुण जड़ चखड़ी ग्लुकोज खारसोड़ा विनेगार इत्यादि मौलिक नुहंती ये सब जैविक कहीं आग को आम जानवा गोटी गोटी करी अंगारकाम्ल रे मध्य दुई बा ततोधिक मौलिक मिसी चीनी रे मध्य दुई बा ततोधिक मौलिक परस्पर सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर लुण रे मध्य सोडियम एवं क्लोरीन दुईटी मौलिक पदार्थ परस्पर सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करेणु जिते एक्जाम्पल ये जाए सब जैविक पदार्थ किंतु जिते बड़े मौलिक पदार्थ गुड़िक रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग निर्दिष्ट ओजनर अनुपात संयुक्त हूँ और निर्दिष्ट ओजनर जैविक सृष्टि करती आउ थे मुझे आम लुहा एवं गंधक को मिसेलु कौन पाई फेरोसल्फाइड लुहा थिला मौलिक गंधक थिला मौलिक से दीटा परस्पर सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले नुआ पदार्थ फेरस सल्फाइड जैविक सृष्टि कले किंतु जदि तुम्हें 56 ग्राम रो लुहा नहीं छ 32 ग्राम रो गंधक नहीं छ ताले 56 युक्त 32 समान 88 अर्थात जिते परिमाण रो बा जिते ओजन रो मौलिक नहीं रासायनिक प्रतिक्रिया घटे थिबो से ओजनर जो नुआ पदार्थ सृष्टि जैविक से ओजनर पदार्थ सृष्टि हम स्थिरानुपात नियम वस्तुत्व संरक्षण नियम नवम पढ़व खाली एति की जानी था आमे 56 ग्राम एवं 32 ग्राम 56 ग्राम लुहा ने 32 ग्राम गंधक ने 56 युक्त 32 समान 88 ग्राम जो नुआ जैविक सृष्टि हम तार ओजन 88 ग्राम हो एठी गोटे इम्पोर्टाट जिनस कौचि जे जो जैविक पदार्थ सृष्टि हम यह मौलिक पदार्थ भड़ी विशुद्ध कारण एगुड़िकर कणिका गुड़िक समजात अटंती नवम पढ़वा समजात अटंती उच्च श्रेणी मान नवम पढ़व तेणु जैविक पदार्थ मौलिक पदार्थ भड़िया विशुद्ध कहीं जो कणिका अच्छी से गोटे मौलिक ना से जो कणिका अच्छी जैविक पदार्थ ता समजात अटंती सिंपल ताले आमे आजिर ए वीडियो रे मौलिक पदार्थ रु केमिति रासायनिक प्रतिक्रिया घटे संपूर्ण रूपे एक नूतन पदार्थ जैविक पदार्थ सृष्टि करती एवं ओजन मध्य जिते बड़े मिसी थाए जो दुईटा मौलिक बा तीनटा बा चारिटा मौलिक मिसिकी जो ओजन रो मौलिक मिसी थाए से ही ओजन रो जैविक सृष्टि करती एवं जैविक पदार्थ एक विशुद्ध पदार्थ जानिले आउ गोटे पार्ट करी प्रश्न 7 को समाधान करिबा एवं तापरे मिश्र पदार्थ विषय आलोचना करिबा धन्यवाद पिले थैंक यू।